Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्मे आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिल खुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बुरुएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कायम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशन्स का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंट डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। स्वयं आज के पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ द लास्ट संडे मैसेज। विल्डनेस इज कॉल्ड आवर अवेकनिंग। तिशना 8 बार उसकी 30 से बल्कि पहली 3 आयतें हैं। डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 और उसकी पहली 3 बल्कि 5 वर्सेस जो आप पढ़ें। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस करते दुआ करें। खुदा उन तेरे लोग तेरे आगे झुकते हैं और बख्श दे कि तेरे कलाम की तशरी और तेरे कलाम की बरकतें और रहनुमाई और तरबियत तेरे लोगों के लिए नाजुक हो और हम सब तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में। सो लास्ट संडे भी हमने इस ताल्लुक से जानी बातों को देखा और उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा मेन टाइटल है वो ये है जो तीसरी आयत में है, इंसान सिर्फ रोटी से ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से, नॉट बाय ब्रेड अलोन। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहे। और इसमें जिस बात पर हमने फोकस किया वो ये था, खुदा बनी इसराइल को बियाबान में ले गया एंड दे हैड टू ग्रो थ्रू द विल्डनेस ताकि वो प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे। और आज भी खुदा का ये फिनोमेना हमारे जिंदगियों में, ईमानदारों की जिंदगियों में काम करता है कि खुदा जब हमें रिफाइन करना चाहता है और
और ज्यादा हमारे किरदार को फिल्टर करना चाहता है, बेहतरीन बनाता है, तो हमें विल्डरनेस में से या एक विल्डरनेस के सीजन में से गुजारता है। और जैसे कि सीरीज का टाइटल है सीकिंग गॉड, हम खुदा के और ज्यादा अपनी जिंदगी में ताल्लुक हों, और उसमें जो एक शॉर्टर सीरीज हम देख रहे हैं वो ये है कि हाउ टू लिव होली लाइफ्स। उसमें खुदा की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी जिंदगियों के लिए है वो ये है कि खुदा हमें बियाबान में से गुजरने देखता है, ताकि अब हम उसके कुछ रीजन स्टडी करेंगे कि खुदा हमें क्यों ऐसे सीजन में से गुजारता है, खुदा का मकसद क्या है। लेकिन एक जो बुनियादी मकसद है वो ये है सो दैट वी हैव एन अवेकनिंग इन आवर सोल्स, हमारी जानों में हमारी सोल में एक अवेकनिंग आए कि हम खुदा के लोग हैं और हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। और जो एक और मकसद है बियाबान का वो ये है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में अपने लिए भूख और प्यास को बढ़ाए, उस हंगर को जो खुदावंद के लिए है हमारी जिंदगी में इंक्रीज करे। और बियाबान से जो एक मतलब है वो ये है एनी प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस विच यू आर गोइंग थ्रू, सिकनेस है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई उलझन है, कोई और चीजें हैं जिनमें से आप एक बड़े प्रोलॉन्ग अरसे से गुजर रहे हैं। बियाबान का एक मतलब ये हो सकता है यू आर आस्किंग फॉर सम ब्लेसिंग और अ मिरेकल और अ ब्रेक थ्रू बट यू आर नॉट गेटिंग इट येट, अभी तक वो आपको नहीं मिला। और इसके और इस तरह के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। सो आज हमने अपने बियाबान को आइडेंटिफाई करना है और खुदा को अलाउ करना है कि हमारी जिंदगी में ये जो हार्ड टाइम्स हैं, हार्डशिप्स हैं, बैरननेस है, विल्डरनेस है, खुदा हम इसको इसमें हमें रिस्टोर करे और एक बार फिर हमें वादे की सरजमीन में दाखिल करें जहां दूध और शहद बहता है, द लैंड ऑफ अबंडेंस। और इस विल्डरनेस का एक और पर्पस है कि खुदा हमारी जिंदगियों में जो रॉन्ग एपेटाइट्स हैं उनको रिमूव करे, वो डिजायर्स और एपेटाइट्स और हंगर्स जो मोर और लेस वर्ल्डली है, बुनियादी है, उनको रिमूव करे ताकि हम पूरे तौर से खुदा की राह पर चलते। सो देर आर मैनी पर्पजेस ऑफ दिस विल्डरनेस जिसमें से खुदा हमें गुजारता है, बट द एंड रिजल्ट इज जो छठी आयत में लिखा है सो टू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। रिजल्ट के सारी विल्डरनेस का जो हमारी जिंदगियों में आता है हम या हमारी जिंदगियों में खुदा के लिए ओबीडियंस आ जाए और हम उसके सारे हुक्मों पर अमल कर सकें, उसकी सब राहों को पहचान सकें और हम उसके खौफ को मान सकें। सो ब्रीफली वी कैन से विल्डरनेस का एक्सपीरियंस खुदा या सीजन खुदा इसलिए हमारी जिंदगी में आ जाता है टू हम्बल अस, हमें फ्रोतन बनाए और ना सिर्फ फ्रोतन बनाए बट दैट ऑल्सो वी स्टे हम्बल। कई दफा जब लोग कसरत या फरामानी में दाखिल हो जाते हैं वो फिर से हलीमी को भूल जाते हैं। सो गॉड वॉन्ट्स टू टीच अस ह्यूमिलिटी एंड ही वॉन्ट्स अस टू स्टे हम्बल, एक बुनियादी मकसद ये है। और सेकेंडली व्हेन वी गो इनटू द लैंड ऑफ प्लेंटी, जब हम कसरत की जिंदगी में दाखिल हों हम फिर भी हलीम रहे। और इसका जो एक और जाविया है वो ये है कि हम खुदा की जो दी हुई नेमते हैं, बरकते हैं, गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, पोजीशंस हैं, हम उनको वेस्ट ना करें।
डोंट वेस्ट जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, दुनियावी बातें हैं, नेमतें हैं या रूहानी नेमतें हैं, वी शुड नॉट बी वेस्टर्स ऑफ दीज ब्लेसिंग्स। हम इनकी कदर करना सीखें और हम ये समझ सकें और जान सकें कि इन सारी चीजों का देने वाला या मंबा जो है वो खुदा की जात है। बनी इसराइल में हम दो वाक्यात को देखते हैं और जैसे खुदा का बंदा मूसा जो है ही गोज अप टू टेक द 10 लॉज फ्रॉम द लॉर्ड, तो नीचे क्या किया बनी इसराइल ने, सोने का बछड़ा और सेम इज द इश्यू विद द पीपल टुडे। आज भी ईमानदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब खुदा बरकत की तरफ ले जाता है, बहुत से लोग अपने दिलों में अपनी जिंदगियों में हम सोने के बछड़े बना लेते हैं और सोने के बछड़े के पीछे जो उनका एक तसव्वुर था वो ये था, जो एक अलामत थी, ये कसरत की अलामत है कि खुदा हमें और बरकत देगा। नंबर दो, ये जंग में ताकत की अलामत है, वी विल विन द वॉर्स। और तीसरा, ये एक प्रॉस्पेरिटी की अलामत थी और वो इन सारी ब्लेसिंग्स को, दे वर सीकिंग ऑल दिस ब्लेसिंग्स एट द रॉन्ग प्लेसेस। ये सब कुछ और इससे भी ज्यादा खुदा, आपका जो खुदा है, कादरे मुतले खुदा है, वो आपको देने पर कादर है। वो आपको कसरत की बरकत भी देगा और वो आपको ताकत और कुवत भी बख्शेगा और वो आपको आपकी हर जंग में फतह भी बख्शेगा। हालेलुया। अभी जब वर्शिप हो रही थी, हम गीत गा रहे थे, सो आई हैड द फीलिंग इन माय स्पिरिट, खुदावंद आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए कलाम कर रहा है कि बरसों से जो जंगे आपने नहीं जीती हैं, इस सीजन में आप वो जंगे जीती हैं। और जो सेकंड हम वाक्य देखते हैं वो अक्कन का वाक्य है, द एकन प्रिंसिपल, और उसने क्या किया, सोने की कुछ चीजें और कुछ कीमती चीजें चुरा ली और छुपा ली, एंड ही डिसोबेड गॉड। सो इन अ सिमिलर वे आज भी हमारे दिलों में ऐसी पोशीदा बातें हो सकती हैं जो खुदा को पसंद नहीं। सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द विल्डरनेस सीजन इज खुदा हमें एक्सपोज होने देता है। द लॉर्ड लेट्स द हीट ऑफ द विल्डरनेस ऑफ द चेस्टाइजिंग लेट द पेन ऑफ द प्रोसेस कम अपॉन अस। इट कैन बी एनीथिंग। खुदा उस प्रोसेस की, उस विल्डरनेस की, उस तंबी की, उस तरबियत की, उस टीचिंग की हीट को और बैरननेस को हमारी जिंदगियों में आने देता है ताकि हम ये रियलाइज करें कि इंसान सदा रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकल रही है। हमारा जो इनर मैन है वो एक्सपोज हो जाए और जिन चीजों को हमें निकालने की जरूरत है अपनी जिंदगियों से हम निकाल सकें। जैसे पौलुस कहते हैं फिलिपियों के खात उसकी तीसरी आयत में, तीसरे बाप की सातवीं और आठवीं आयत, आई एम पढ़े फिलिपियों तीसरा बाप उसकी सातवीं और आठवीं आयत। और लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया, देयर टू लेवल्स ऑफ लाइफ, एक लोअर लेवल है, एक हायर लेवल है। जो लोअर लेवल ऑफ लाइफ है वो रोटी से इंसान जीता है उसमें, जो हायर लेवल ऑफ लाइफ है उसमें खुदा के कलाम से इंसान जीता है। हालेलुया। और इन वर्सेस में भी पॉल जो है वो इसी फिनोमेना की बात करते हैं कि मैं एक लोअर लेवल की लाइफ को छोड़ रहा हूं ताकि मैं एक हायर लेवल की लाइफ में एंटर हो सकूं।
मैं वर्ल्डली लाइफ को ओवरकम करना चाहता हूं थ्रू द स्पिरिचुअल लाइफ। फिलिपियों 3:7-8 ये बहुत फेमिलियर वर्सेज है, हम सब इससे वाकिफ हैं, लेकिन इसी तनाजुर में हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। हाँ, जो पॉल इज सेइंग दुनियावी तौर पर जितनी चीजें मेरे फायदे की थी, मेरे नफे की थी, जिससे मुझे कोई फायदा हो सकता था, दुनियावी तौर पर मैंने उन चीजों को मसीह की खातिर क्या समझ लिया है, नुकसान। मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार। नुकसान इसलिए है, पॉल इज सेइंग, अगर मैं दोनों हाथों से उन्हीं चीजों को ग्रैब किए रखूंगा तो फिर मैं रूहानी चीजों पर अपनी ग्रिफ्ट जो है वो मजबूत नहीं कर सकता। आई हैव टू लीव देम। वो जो दुनियावी चीजें हैं, पोजीशंस हैं, माल और दौलत है, अदर थिंग्स, मैंने उनको मसीह की खातर नुकसान समझ, जो मेरे फायदे की हैं मैंने उनको नुकसान समझ लिए। हाँ जी, आगे। बल्कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। सब चीजों को, जिसको आज भी लोग फायदा समझते हैं, पौलुस नुकसान समझते। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज चेंज ऑफ माइंड, दिस इज वेयर पॉल इज लिविंग, दिस इज वेयर क्रिश्चियनिटी इज, दिस इज वेयर स्पिरिचुअलिटी इज। जितनी बातें मेरे नफे की, मुझे इससे भी फायदा हो सकता, मुझे इस बात से भी फायदा, मुझे फलान चीजें ये मेरे फायदे की है, सो पॉल से मैं उनको मसीह की खातर नुकसान समझ। क्यों? ताकि मैं इन चीजों को नहीं बल्कि उन चीजों को, ताकि मैं एक लोअर लाइफ ना बसर करूं, मैं एक हायर लाइफ बसर, ताकि मैं मसीह को पकड़े रखूं, मैं मसीह को थामे रखूं, मैं दुनिया की चीजों की तरफ ना भागूं, मैं रूहानी चीजों की तरफ भागूं। हां जी, आगे पढ़े। जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। तो जिन चीजों की खातिर मैंने ये सारा नुकसान उठाया, मैं इसको नुकसान समझता हूं ताकि मैं, वजह के ताकि मैं मसीह को हासिल करूं। इज ऑलरेडी सेव, He's already anointed, He's already called, फिर भी वो चाहता है मैं मसीह को पूरे तौर पर हासिल करूं, मैं उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई तक पहुंच सकूं। ये वर्सेस जो है पॉल की लाइफ का सिंथेसिस है। This tells us where the man of God was living. This words tell us how to be a saint, how to be a great man of God. जितनी चीजें मेरे फायदे की थी मैं मसीह की खातिर नुकसान समझा। और आप लोगों में से अक्सर कई बहुत से लोगों ने मसीह की खातिर बहुत सी चीजों को छोड़ा है, एंड दैट्स गुड, ही इज हैप्पी विद यू। लेकिन आपने आगे बढ़ना है, और भी जो कुछ हमें छोड़ने की जरूरत है हम छोड़ते चले जाएं, हम दुनियावी चीजों को नुकसान समझें और हम जो रूहानी और इलाही चीजें हैं उनको अपने लिए नफा समझें। So in this wilderness, खुदा उस जलाल को, जब अपनी जिंदगी में जलाल जिसको समझते हैं, ग्लोरी, आर ग्लोरी जिसे हम समझते हैं कि ये मेरा बेस्ट है, दिस इज द ग्लोरी ऑफ अपॉन मी, द वर्ल्डली ग्लोरी की बात कर रहे हैं। खुदा विल्डरनेस में उस सारी इंसानी और दुनियावी ग्लोरी को मेल्ट होने देता है, पिघला देता है, ताकि वो जो दुनियावी चीजें जिसको हम अपना जलाल समझते हैं, कोई आपका कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ी शोहरत है, कोई फलान चीज है, कोई दौलत है, कोई बहुत रुतबा है, कोई संबंधित थिंग्स है, खुदा उस सारी दुनियावी जलाल को मेल्ट होने देता है ताकि आपकी जिंदगी पर बेटे का जलाल ना हो। और खुदावन पौलुस की मानद के थ्रू हमें यह कह रहा है, जिसको तुम जलाल समझते हो, दैट इज नॉट द ग्लोरी, दे आर द फिल्थी रैग्स, दोज आर द फिल्थी रैग्स जो तुम उतार रहे हो, जो लिबास तुम उतार रहे हो,
जो कुछ तुम अपने ऊपर से तुम्हारी जात से उतर रहा है बिकॉज ऑफ द विल्डरनेस व्हाटएवर इज मेल्टिंग ओवर देयर इज नॉट योर ग्लोरी दोज आर द फिल्थी रैग्स यू आर वेयरिंग अपॉन योरसेल्फ उनको जाने दें और खुदावंद यीशु मसीह की हकीकत को और कुदरत को और जलाल को अपनी जिंदगी में दाखिल होने दें हालेलुया एक बेहतरीन सबक जो खुदा ने विल्डरनेस में बनी इसराइल को सिखाया वो ये है कि एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो खुदा ने बनी इसराइल को विल्डरनेस में सिखाई एंड दैट इज कि खुदा इस पर्पस के लिए इस बात के लिए बाउंड नहीं है कि वो आपको एक ही तरीके से बदल दे वी कैन सी गॉड इन द सेकेंडरी कॉजेस जरूरी नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं खुदा आपको उसी तरह से बदल दे गॉड कैन ब्लेस यू इन मैनी अदर वेज या आसान अल्फाज में खुदा के पास सिर्फ एक ही मेथड नहीं है कि वो आपकी जरूरत को पूरा करे सिर्फ एक ही जगह नहीं है कि आपकी जरूरत को पूरा करे सिर्फ एक ही तरीका नहीं है खुदा के पास कि वो आपकी जरूरत को पूरा करे अगर रोटी नहीं है खुदा मन बरसा सकता है जब खुदा ने मन बरसाया तो खुदा बनी इसराइल को ये मैसेज दे रहा था कि तुम्हें फीड करने के लिए तुम 20 लाख हो या 30 लाख हो या जितने भी हो मेरे पास सिर्फ एक मेथड नहीं है कि गंदम होगा और फसल होगी और आटा होगा और रोटी होगी मेरे पास और तरीके भी हैं तुम्हें बरकत देने दुश्मन एक रास्ता बंद करेगा वो आपके लिए हजार रास्ते खोल देगा हालेलुया खुदा के पास आपको बरकत देने के लिए देयर आर मैनी 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 मल्टीपल वेज एंड यूनिक वेज के वो खुदा को खुदा आपको बरकत दे सकते चाहे वो शिफा की बरकत है मालो दौलत की बरकत है सेहत तंदुरुस्ती की बरकत है खुशहाली की बरकत है यू जस्ट नीड विजडम टू अंडरस्टैंड सो गॉड हैज मैनी अप्रोचेस टू ब्लेस यू और बड़े क्रिएटिव वे में बिकॉज इज अ क्रिएटिव गॉड एंड अ क्रिएटेड गॉड तो वो आपको बहुत से और मेथड से आपको ब्लेस कर सकता है इट्स नॉट जस्ट द वन वे सिर्फ रोटी नहीं सिर्फ एक ही जगह नहीं सिर्फ आपकी जॉब नहीं सिर्फ एक और चीज नहीं खुदा कई रस्तों से कई तरीकों से खुदा आपकी जरूरत को पूरा कर सकता सिर्फ ये फोकस ना करें मेरा कारोबार चल जाए मुझे बड़ी हाई सैलरी जॉब मिल जाए खुदा के पास और भी तरीके आपको बरकत दें जस्ट प्रे लॉर्ड आई एम ओपन टू योर मेथड्स मैं खुदा खुदा तेरे तरीकों और तेरे रस्तों के लिए ओपन हूं तो जिस तरह से भी मुझे बरकत देना चाहता है तो मुझे बरकत दे तो मेरी जरूरत को पूरा कर अगर एलिया के पास खाने के लिए खुराक नहीं है खुदा उसके लिए नाला अगर सूख भी गया है खुदा उसके लिए खुराक मुहैया कर सकता ये खुदा की जात जानती है कि वो आपकी जरूरत को मुहैया करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकता है सो इसमें जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगा खुदा आपको नेचुरल तरीकों से आपकी मदद कर सकता है और खुदा आपकी मदद सुपर नेचुरल तरीकों से भी कर सकता है ही कैन ब्लेस यू थ्रू द नेचुरल एंड ही कैन ब्लेस यू थ्रू द सुपर नेचुरल हालेलुया क्योंकि खुदा उन चीजों को जो मौजूद नहीं है ऐसे बुला लेता है गोया कि वो मौजूद है लेकिन खुदा की जात इस बात पर कादिर है कि वो आपकी हर जरूरत को पूरा करे बशर्ते आपकी जिंदगी में उसके लिए भूख और प्यास आपकी जिंदगी में पाकीजगी और रास्तबाजी जब खुदा का बंदा मूसा फिराउन के पास था
और उसके जादूगर जो हैं वो अपने कर्तव्य कर रहे थे, तो खुदा ने मोसेस से क्या कहा, व्हाट इज इन योर हैंड, तेरे हाथ में। खुदा ने आपकी ब्रेक थ्रू, खुदा ने आपका नेक्स्ट लेवल, खुदा ने आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके हाथ में रखी। आस्क गॉड व्हाट आई नीड टू डू। सिर्फ यही ना कहते रहे ब्रेक थ्रू आ जाए, ब्रेक थ्रू आ जाए, ब्रेक थ्रू आ जाए, ब्रेक थ्रू आ जाए। मे बी आपका ब्रेक थ्रू आपके हाथ में, आपके पास है। He has already given you the seed and the staff and the stick in your hands. सिर्फ खुदा से ये पूछे मुझे क्या करने हैं। साल साल यही दुआ न करते रहे, ब्रेक थ्रू ला खुदा, ब्रेक थ्रू ला, मैं दुश्मन का सामना या मुकाबला कैसे करूं। आम से कई लोगों को खुदा ये कह रहा है तेरे हाथ में क्या है। स्ट्रेच फोर्थ दाइन हैंड, अपनी लाठी को फेंक दे, अपने हाथ को बढ़ा दे। व्हाटएवर द लॉर्ड हैज गिवन यू इन योर हैंड्स, दैट विल इक्विप यू एंड एनेबल यू टू फाइट योर एनिमीज एंड टू कम आउट ऑफ द विल्डरनेस। आमीन। वन थिंग जो खुदा हमें बियाबान में सिखाते हुए है, टू एक्सपोज ourselves, He exposes our hearts, वो हमारे दिल को एक्सपोज करता है। जो इनक्यूरेबल है, ताकि वो हमें एक नया दिल बख्श। एंड ही नॉट ओनली एक्सपोजेज आवर हार्ट्स, ही एक्सपोजेज द आइडल्स विच आर इन आवर हार्ट्स। और पिछले मैसेज हमने दो बातों पे गौर किया, मेनी टाइम्स वी हैव प्राइड इन आवर हार्ट्स एंड मेनी टाइम्स वी हैव नंबर दो हेट्रेड इन आवर हार्ट्स। और आज तीसरी बात जिस पर मैं फोकस करूंगा, हमारी नेचर में आदम के गुनाह के स्वभाव से एक और जो बिगाड़ पैदा हुआ है, एंड दैट इज वी हाइड आवरसेल्व्स। बागियदन में जो एक प्रोसेस हुआ राइट आफ्टर सिन, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। कवर्ड, कवरिंग, 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 वी कवर आवरसेल्व। उस कवरिंग की बात नहीं कर रहा जो गॉड ने कहा, वी कवर आवरसेल्व्स, वी हाइड आवरसेल्व्स। वी लिव मेनी मेनी लाइव्स, बहुत से लोग एक जिंदगी नहीं कई जिंदगियां बसर करते हैं। They have too many lives, too many faces. So Adam और हवा ने अपने आप को पत्तों से छुपा दिया, लेकिन खुदा की आंखें इंसान को उसकी जो कवरिंग्स हैं, हाइडिंग्स हैं, उसके पीछे। सेकेंडली, जब खुदा उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने क्या किया, they were hiding. खुदा का सामना करने से वो छुप रहे थे, कतरा रहे थे। सो वन थिंग दैट हैपन्स इन द विल्डरनेस, खुदा हमारी मदद करता है कि हम अपनी जिंदगी की सारी लेयर्स को, सारे कवर्स को उतार दें और हम ट्रांसपेरेंट हो जाएं। हमारी पब्लिक लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी जो फैमिली लाइफ में हर तरह की जिंदगी है वो एक जैसी हो जाए। सो दैट वी बिकम सेम एवरीवेयर, एंड दिस इज वन पर्पस ऑफ द विल्डरनेस, टेकिंग अस थ्रू द विल्डरनेस। जैसे खुदावंद ने कहा, ये उम्मत होंठों से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन इनके दिल मुझसे। So that we have only one life. और अगर हम हमारी शख्सी जिंदगी है, खानदानी जिंदगी है, पब्लिक जिंदगी है, इट्स ऑल द सेम। वी आर ट्रांसपेरेंट बिफोर गॉड। तेरा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह।
और इससे मुझे एक बात याद आ रही, God loves that you gave his testimony publicly. खुदा इस बात को पसंद करता है कि आप उसकी गवाही, उसकी शहादत जो है वो पब्लिकली, आप पब्लिकली अपनी खुदा के साथ मोहब्बत का इजहार करें, खुदा के साथ लगन का इजहार करें, और जहां आपको बोलने का मौका मिलता है आप अपनी गवाही पब्लिकली बयान करें। और जब ज़कियस ने पब्लिकली खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहा, सुनना चाहा, जानना चाहा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और वो शायद मेरी तरह थोड़े छोटे कद का था, और वो किस पे चढ़ गया? ऑन अ ट्री, और क्राइस्ट ने उसको नोटिस किया, खुदा ने उसको देखा, खुदा ने नोट किया, और उसने कहा ये शख्स जो पब्लिकली मुझे देखने के लिए आया, सुनने के लिए आया है और मेरा दीदार करना चाहता है, और उसने उससे कहा आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है, टुडे आई विल विजिट योर फैमिली, गॉड विल विजिट योर फैमिली। जब आप पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजज़े किए हैं, खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, खुदा ने मेरे हालात को बदल दिया है, और खुदा ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, और मैं खुदा से प्यार करता हूं और खुदा मुझसे प्यार करता है। जब इस शख्स ने पब्लिकली खुदा को एक्नॉलेज किया, खुदा को वो पसंद आया, खुदा ने कहा मैं आज इन सारे लोगों को छोड़कर तेरे घर में जाऊंगा, बिकॉज यू हैव ऑनर्ड मी मोर देन अदर पीपल, You have honored me more than other people. तूने दूसरे लोगों से ज्यादा मुझे ऑनर किया है, तूने दूसरे लोगों से ज्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तूने दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा मुझे इज्जत दी है, आज मैं तेरे घर में जाके तुझे इज्जत दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरे खानदान को बरकत दूंगा, और आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। When you honor God publicly, God will honor and bless your family and you personally. Honor God in public, honor God in private, honor God in public, and God will bless every area of your family life daily. Hallelujah. Jawab. पब्लिक पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में खुदा की इज्जत करते हैं, बढ़कर इज्जत करते हैं, खुदा के लिए हर कुर्बानी देते हैं, और उसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, ये दरख्त पे चढ़ गया मुझे देखने के लिए, उसने अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, उसने किसी और चीज की परवाह नहीं की। यू अंडरस्टैंड, छोटे बच्चे दरख्तों पर चढ़ते हैं, इट्स अ हॉबी ऑफ द किड्स, लेकिन एक वेंटेज पॉइंट पर पहुंचने के लिए मैं उसको देख सकूं और मैं उसका दीदार कर सकूं, और जो शख्स ऐसी तालीम देता है और ऐसी कुदरत जिसके पास है और ऐसा इख्तियार जिसके पास है, आई वॉन्ट टू सी हिम रिगार्डलेस ऑफ माई पोजिशन और माई डिग्रीज, आई मस्ट ऑनर दिस मैन। ये जो शख्स यरूशलेम में है और इसराइल में है, जरूर है कि मैं इसकी इज्जत करूं, और खुदा ने उस इज्जत को देखा जो वो सिखा रहा था। जब आप दूसरों से बढ़कर खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा दूसरों से बढ़कर आपको बढ़कर देता है। The choice is yours. When you honor God more than other people, above and beyond, your God is watching you. Your God is listening to you. Your God will take notice of you. और वो आज ही आपके घर में आपको विजिट करेगा। हालेलुया। आई एम यीशु के लिए जोरदार तालियां। और जब वो आपके घर को विजिट करेगा,
आपका पिया बाग में बागबान में तब्दील हो जाएगा, एक बाग में तब्दील हो जाएगा। आपकी जो वीरानी है वो खत्म हो जाएंगी और राग के बदले सिकरा मिलेगा और आपके हालात बदल जाएंगे और आपकी शरीर बदल जाएगी और आपके आंसू खत्म हो जाएंगे और आपकी बीमारियां जाती रहेंगी और आपके क्राइसिस खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में जो बुत है वो तोड़ दिए जाएंगे और जो जादूगर और जादूगरनी आपके खिलाफ है वो भाग कर दी जाएंगे, वो भाग दी जाएंगे और वो बर्बाद कर दी जाएंगे और फरिश्ते आपके दुश्मन का पीछा करेंगे, वो उनको रुकेंगे, वो उनको मारेंगे, वो उनका सत्यानाश करेंगे, लेकिन आप कायम रहेंगे और आप खुदावन के नाम को जलाल देंगे। So when the Lord will visit you, इस wilderness में, इस barrenness में, खुदा आपकी जिंदगी और हालात को कसरत और फरावानी में बदल देगा। हालेलुया। सो वी नीड टू बी केयरफुल। और लास्ट टाइम भी मैंने जुमला कहा, मैं सिर्फ रिपीट करूंगा, खुदा बियाबानी जिंदगी में हमसे ये तकाजा करता है, हम अपने पुराने इंसान को, पुरानी इंसानियत को एक डेजर्ट बरियल दें, उसको वहां पे मरने दें, उसको छोड़ दें और नई इंसानियत को पहनकर हम उस दिया बांध में से हम बाहर निकले। हालेलुया। सो इन द विल्डनेस, जब हम कसरत में हैं, फरावानी में हैं, वी फॉरगेट गॉड। जब बड़ी नेमते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग इजी, लेकिन जब आप तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं, दुख में हैं और नीड में है, वांट में है, देन एवरी आवर आप पुकारते हैं, यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वाल तो। सो व्हेन यू आर इन द प्लेंटी, शायद हफ्ते में एक ही दिन दुआ करते हैं, बट व्हेन यू आर इन द विल्डरनेस, आप सिर्फ एक दफा दुआ नहीं करते हैं दिन में, आप कई दुआएं करते हैं, खुदा मुझे इस मुसीबत से निकाल, खुदा मुझे इस सिचुएशन में से निकाल, खुदा मुझे रहाई दे, खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मुश्किलें आसान कर दे। हालेलुया। और जितनी बार आप खुदा के पास आते हैं, खुदा उनको देखता भी है, जानता भी है और वो नोट भी करता है और वो आपको बरकत भी देता है। आमीन। सो लेट्स गो to the end point and let's see। I वापस आए अपने पैसेज की तरफ, आठवां बाब चौथी आयत पर। इन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। आमीन। लास्ट टाइम हमने तीसरी आयत में से क्या, तीसरी आयत में पढ़ और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। आमीन। सो एक बड़ी खुदा की स्वीटनेस को हमने लास्ट टाइम तीसरी आयत में देखा, और उसने तुझको आजिज किया भी, क्या किया तुझे, हम बताओ कैसे, और तुझको भूखा होने दिया, तुझको आजिज भी किया और तुझको भूखा। सो लास्ट टाइम हमने इस वर्ष को देखा, तीन चीजें हमने यहां पे देखी, गॉड हंगर्ड देम, खुदा ने उन्हें भूखा होने, गॉड हम्बल देम, खुदा ने उनको आजिज हम्बल होने दिए। कैसे हम आजिज होने दिया, थ्रू हंगर। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हंगर्स, तो थ्रू वन काइंड ऑफ हंगर इन द विल्डरनेस, इट वाज नॉट ओनली वन काइंड ऑफ हंगर, कई तरह की हंगर्स होंगे उनकी लाइफ में जब वो बियाबान में है। यू अंडरस्टैंड, बियाबान की जिंदगी कोई कंफर्टेबल जिंदगी नहीं, कोई आसान जिंदगी नहीं, एक स्ट्रगल,
its pain all the way. 40 साल उस बियाबान में रहे. So God humbled them, God hungered them, God humbled them and God fed them. यानी भूखा भी रखा और खाने को भी देता. लेकिन खुदा ने उनको वो नहीं खाने को दिया जो वो चाहते थे, खुदा ने उनको वो खाने को दिया जो खुदा चाहता था उनको देने के लिए, ताकि उनको ये बता सके, I have many, many means and methods of providing. तो मुझसे मांगते रहो और आजिज हो जाओ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत से तरीके हैं, जराए हैं, वसीले हैं जिनसे मैं तुम्हें दे सकता. तो अभी जो चौथी आयत हमने देखी है, इट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल. इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने, 40 इयर्स वो ही कपड़े पहनते रहे जो उनके पास थे. तो वहां पे कोई पैकेजेस मॉल नहीं था, कोई अमाना मॉल, कोई और ऐसे स्टोर नहीं था कि वो जाते हो नए कपड़े लेने. अगर कोई माल होते भी तो उनके पास माल कोई नहीं, वो तो सोने का बछड़ा बना. सो 40 इयर्स कोई नए कपड़े नहीं और कोई नई जूतियां नहीं, लेकिन एज दे वर ग्रोइंग उनके कपड़े भी ग्रो कर रहे, उनके जूतियां भी ग्रो कर रहे. 6 नंबर से 7 नंबर जूतियां, 7 नंबर से 8 नंबर होगी, 8 से 14 नंबर होगी, माशाल्लाह ह्यूज लॉस. So their shoes were growing. उन्हें किसी हश पपीज की या किसी और जूतों की जरूरत नहीं थी. खुदा, God was taking care. The whole point is, अगर उनके पास ब्रेड नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, God was taking care of everything. अगर आज आप इस पॉइंट पे अपनी जिंदगी पे गौर करें, आप जिंदा हैं और आप सांस लेते हैं और 3 टाइम रोटी खाते हैं और स्मार्ट मोबाइल फोन आपके पास है, खुदा आपकी केयर कर रहा है. और जो खुदा यहां तक आपको लाया है, ये वही खुदा है जो वहां तक भी आपको लेगा. They are traveling, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर डेरे लगा लिए, कभी ऐसे हो गए, कोई साबा नहीं उनके पास और कोई एक्सप्रेस नहीं है उनके पास. उनके कपड़े साफ भी हैं, उनके कपड़े ग्रो भी कर रहे हैं और 40 साल उन्होंने वो ठीक रहे क्योंकि खुदा का हाथ उन पे. रिमेंबर वन थिंग, अगर आप बियाबान में भी है और अगर उसका हाथ आपके ऊपर है, आपको परेशान होने की, खुदा का हाथ उनके ऊपर था, आग का सुदून उनके साथ था और बादल का सुदून उनके साथ था और खुदा का हाथ उन पर था. और अगर खुदा आज आप उनसे बेहतर हैं, आप पर ना सिर्फ खुदा का हाथ है बल्कि खुदा का रूह तुम में रहता है. आपकी जिंदगी में पेंटिकॉस्ट का तजर्बा है. दैट इज व्हाई द पेंटिकॉस्ट चर्च इज अ डिफरेंट चर्च फ्रॉम एवरी डिनोमिनेशन. वी बिलीव द पिलर ऑफ फायर इज इन आवर हार्ट. वो फायर जो मोसेस ने झाड़ी में देखी, वो आज आपकी जिंदगी में लगी. वो आग जो बनी इसराइल के आगे आगे जलती थी रात के वक्त में उनको बचाने के लिए, वो आग रूह कुदस की शक्ल में आपके अंदर मौजूद है. दूसरा मददगार तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर है. That's why we are Pentecostal, because we have the experience of Pentecost. Hallelujah. खुदा उनका हाथ आपके ऊपर, खुदावंद आपके अंदर रहता है. आपकी स्ट्रगल्स में, आपकी पेन्स में, आपकी प्रॉब्लम्स में, आपकी मुसीबतों में खुदा आपके साथ है. और वो हर रोज जब तक आपकी जमीन पर जिंदगी है, सर्वाइवल के लिए आपकी मदद करता है. हमारी जिंदगी का मकसद
ये दुनिया नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद वो दुनिया है। Your testimony is not for this world, your testimony is for that world. इन 40 वर्षों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे, ना तेरे पांव। 40 years they're walking and walking and walking. नोट किया खुदा ने, देखिए नोट किया, ना तेरे पांव। और इसका क्या मतलब है पांव सूजने से, कि तेरे ईमान में खुदा ने सोजन नहीं आया, तेरे ईमान को खुदा ने बिगड़ने नहीं दिया इन 40 साल। So as I was making this sermon 2 weeks ago, I had a very clear understanding in my spirit कि आज के दौर में आप में से बहुत से लोग हैं जिनके पांव सूज जाते हैं due to some sickness or wilderness or some other problem. So I have a clear word from the Lord today कि जिनके पांव में physical बात कर रहा हूं स्वेलिंग हो जाती है, आज के बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 40 वर्षों में खुदा ने बनी इसराइल के साथ ये किया है, आज भी खुदा कादर खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे ही कर। लेट मी प्रे फॉर यू। हालेलुया। फादर गॉड, जिन जिंदगियों में बदनों में फिजिकली अदरवाइज किसी तरह की भी सोजन है, पांव की सोजन है, राइट नाउ आई कमेंड द सिकनेस एंड आई कमेंड द डीमंस एंड आई कमेंड द इवन फोर्सेस टू लीव देम राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और खुदा के लोग अभी आजाद हो जाते, जब यीशु आता है जकड़े आजाद हो जाते, बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं और लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। और खुदा ने इसके साथ साथ कई लोग जब बियाबान में से गुजरते हैं तो उनके ईमान मुतज़लज़ल ना हो, वो अपने ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु की तरफ तकते हैं। हालेलुया। सो टुडे आपके बदनों से जो अननेसेसरी स्वेलिंग्स हैं, सोजन है, बीमारियों की वजह से एलर्जी है, व्हाटएवर नॉनसेंस The enemy is creating. खुदा ने आपको जाहिर कर दिया। आखिर में पांचवी है, और चार्ल्स स्पर्जन इस पांचवी आयत की तफसीर में कहते हैं, Let's read it then we see. और तू अपने दिल में ख्याल करना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे ही खुदावन तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। सो तू खुदावन अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना। आमीन। सो इन वर्सेस में द होल प्रोसेस इज चार्ल्स स्पर्जन अपनी तफसीर में लिखते हैं, इट्स अ हमलिंग प्रोसेस, इट्स हमलिंग, इट्स फीडिंग, It's clothing, it's strengthening, and it's chastising. पांच बातें वो मेंशन करते हैं इस सारे प्रोसेस में। विल्डरनेस में खुदा बनी इसराइल को क्या सिखा रहा था? He was humbling them, he was feeding them, he was clothing them, he was strengthening them, and he was chastising. लेकिन what's the end result? Obedience. लेकिन उससे पहले जो चीज आती है वो ये है, जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबीह करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबीह करता है। कैसे? जैसे बाप अपने बेटे को तंबीह करता है। सो द मैन ऑफ गॉड इज सेइंग ओवर हियर, गॉड लव्स यू एज अ सन,
खुदा तुझे बेटे के तौर पर प्यार करता है। He loves you as a son, adopted son, और वो तेरी तंबीह करता है, विल्डरनेस में वो तेरी करेक्शन करता है, इस्लाह करता है, तंबीह करता है, तुझे सिखाता है ताकि तू सदा उसकी राहों पर चले और उसका खौफ माने और उसके हुक्मों पर अमल करे। आमीन। तो चार्ल्स स्पर्जन आखिर में, आई विल जस्ट टेक वन मिनट टू से, चार्ल्स स्पर्जन अपनी इस कमेंट्री में लिखते हैं या एक्सपोजिशन में कि कैसी ओबीडियंस खुदा अपने बेटों से मांगता है। नंबर वन, यूनिवर्सल ओबीडियंस, आप उसके तमाम अहकाम पर अमल करें। योर ओबीडियंस शुड बी यूनिवर्सल, योर ओबीडियंस शुड बी एंटायर। ये नहीं कि दो बातों में अमल कर लिया, तीन बातें छोड़ दी। इट मस्ट बी एंटायर। नंबर थ्री, योर ओबीडियंस मस्ट बी केयरफुल, एहतियात के साथ आप खुदा की फरमाबरदारी करें। हर स्टेप पे आप इस बात को सोचें, क्या मैं खुदा की नाफरमानी तो नहीं कर रहा इस बात में, इस काम में, इस रवैये में, व्हाटएवर। बी केयरफुल इन योर ओबीडियंस। और चौथी बात वो कहते हैं, बी प्रैक्टिकल इन योर ओबीडियंस, वॉक इन हिज वेज, उसकी राहों पर अमल। And from this principle do the obedience. और वो principle क्या है? To fear the Lord, the holy fear. इस principle के मतलब ये पांच बातें चार्ल्स स्पर्जन में सिखाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी से ऐसी obedience चाहता है। और मैं एक ही बात में सिर्फ focus करूंगा, universal. Follow and live out all the commandments of God. Hallelujah. So the point is, the end point is, खुदा आपकी बेहतरी के लिए आपकी जिंदगी में किसी तरह का भी विल्डरनेस सीजन लाता है ताकि आप उसमें और ज्यादा खुदा के नजदीक आ जाएं, और जो अननेसेसरी चीजें हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाती हैं ओवर द ईयर्स, दुनिया की तरफ से, लोगों की तरफ से और चीजों की तरफ से, वो सब निकाल दी जाए। और जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स हम अपनी जिंदगी में बिल्डअप कर रहे हैं, अटैचमेंट्स विद थिंग्स एंड टाइटल एंड पोजीशन एंड पीपल एंड फ्रेंड्स, अटैचमेंट्स, गॉडली अटैचमेंट्स आर गुड एंड समटाइम्स वी अटैच आवरसेल्फ विद अनगॉडली थिंग्स, लेकिन खुदा उन सब चीजों से हमें डिटैच करके सिर्फ अपने साथ अटैच करना चाहता है। देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ। You want to live for yourself. आपकी जिंदगी में एक प्रोसेस जारी है, आप अपने लिए जीना चाहते हैं, यीशु चाहते हैं उसके लिए जी। This war is going on. और दुश्मन ये चाहता है कि आप अपने लिए जिए, आप यीशु के लिए ना जिए। And this is, ये पॉल का वो लेवल है जहां वो जिंदगी बसर करते हैं, मैं मसीह की खातिर सब चीजों को नुकसान से, जितनी चीजें मेरे नफे की हैं मैं उनको नुकसान से, ताकि किसको हासिल कर लूं, मसीह को। आमीन। खुदा खुदा आप सबको बरकत दे। यकीनन इस पुर असर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि
कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावन बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।